I know that I want it. I can give a fuck if I die today. If I'ma go out, it's my fucking way. At least I'll go out with some pride to my name. With the fight that I play, that's my fucking way. Oh, y'all can sit back and think you were the best of me. I can guarantee that you haven't seen the rest of me. I can guarantee that this shit gon' be my destiny. And I will never sleep till I make it, then I'll rest in peace. और एक और गेम प्ले वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं लैम्पटन मैप में खेल रहा हूँ, आप सभी को तो पता ही होगा। और यहाँ पर मैं उतर गया वॉच हाउस और यहाँ पर मुझे अच्छे खासे बंदे मिलते हैं। अब शुरू में तो यहाँ पर अच्छे खासे गन ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे को कोई भी गन तो यहाँ पर नहीं मिली। मेरे को स्टेलन विंड मिली और एक बंदा भी यहाँ पर मिला जिसे मैंने आराम से नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद उसे फिनिश किया और उसकी गन लूटी। और मुझे इधर से हल चलाई और एक बंदा मुझे स्पॉट हुआ जिसको मैंने स्कैनर गन से यूज़ किया और वो बंदा मुझे स्पॉट हो गया ऊपर की साइड। वो बंदा जैसे ही मैं आया तो वो कूद कर बाहर भागने लगा। अब इसके पास अच्छी खासी गन भी थी, लूट भी थी, पता है भाग क्यों रहा था मेरे को ये समझ नहीं आया। और ये बंदा बहुत अच्छा खेलता है, मैंने इससे पहले भी मैच खेले थे, अच्छा खेलता है। पता नहीं इस बार ये भाग क्यों रहा था। अब यहाँ पर जैसे मैंने इसे मारा कि यहाँ पर पीछे से एक और बंदा फायर करने लगा। अब पहली बार में वो बंदा मुझे दिख रहा नहीं था, अब उसने क्या किया वो मेरे क्लोज आ गया तो अब मुझे अच्छे से पता चल गया उसके लोकेशन। और वो बंदा देखो अभी यहाँ पर ये होवर कार लेके मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहा था। ओ गाइस ये बंदा भी बहुत अच्छा खेलता है। और फाइनली इस भाई को भी मैंने आराम से टपका दिया, तभी मेरे पीछे से फायर होने लगा। और मैं यहाँ पर घर के पास आया और हीलिंग की, और जैसे मैं ऊपर आया मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ। वाचा उसके पास एक बंदा था जो कि उसे पता ही नहीं चल रहा था मैं कहाँ से मार रहा हूँ। अब देखो उसे कैसे मारते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास एमओ खत्म हो गई VSS में। अब सही बताऊँ तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कमी थी एमओज की और गन की, क्योंकि गन भी अच्छी खासी नहीं थी मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने ये स्टेलन विंड उठाई और एक शॉट उसे रख दिया, वो भाई आराम से नोक हो गया। नोक होने के बाद अब मेरे को ज़रूरत थी लूट की। अब मेरे दिमाग में आया कि अपन ने एक बंदा नोक किया था जिसकी पेटी पानी में है, तो क्यों ना उसे लूटा जाए। नीचे गया, नीचे जाने के बाद मैंने उसे लूटा और वापस से ऊपर आया। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ आज का हमारा लाइक है मैं 100 का, होप कि आप लोग करा दोगे। और इसी के साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। अब जैसे मैं इस घर के पास आया मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ। और उस भाई को मैंने नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं उसे फटाफट से यहाँ पर मार दूँ। अब सही बताऊँ तो मैं उसे फिनिश कर ही रहा था कि मेरी एमओ ख़त्म हो गई। लियो अब ये था मेरे सामने सिचुएशन कि अब मैं शायद पेटी वगैरह लूट लूँ तो मेरे को शायद एमओ मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी मेरी किस्मत बहुत ख़राब थी, नहीं मिली मुझे एमओ। और इस घर पे आया और मेरे को अच्छी खासी यहाँ पर एमओ मिल गई और गन भी मिल गई। अब यहाँ पर देखो ये मैंने सिंगल मैच उठाई तभी मेरे पर फायर होने लगा। अब यहाँ पर जैसे मेरे पे फायर हुआ मेरे को एनिमी की लोकेशन पता चल गई।
अब यहाँ पर जैसे ही मैं आया मेरे को होवर कार भी आ गई और इसे देखो कैसे मारा मैंने भाई साहब। इसे जैसे ही मारा पीछे वाला बंदा भी मुझे मारने लगा और उस भाई को भी मैंने नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद देखो इसका तीसरा बंदा वो भी मुझे फायर करने लगा और उस भाई को मैंने यहाँ पर डैमेज दे दिया। वो बंदा अंदर चले गया घर के और ये पड़ा हुआ बंदा जिसे मैंने पहले नॉक किया था उसे मैंने यहाँ पर फिनिश किया। फिनिश करने के बाद भाई जल्दी से लूटा क्योंकि मेरे को लूट की चाहिए थी यार, ज़रूरत थी। यहाँ पर मेरे को ये इन्वर्टर मिल गई और अब देखो इन्हें कैसे मारते हैं। यहाँ पर इन भाइयों को क्या ही मारा, मतलब मज़ा आ गया। इसके बाद देखो गाइस यहाँ पर अब कोई भी बंदा नहीं था तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं था। सीधा गाड़ी उठाई, ओवर कार उठाई और सीधा यहाँ से निकलने की मैंने प्लानिंग करी। अब जैसे मैं यहाँ से निकलने की सोच रहा था कि फ्लेम कार आई। ओ गाइस बताने की ज़रूरत है ही नहीं फ्लेम कार की जो ये फ्लेम है कितनी ज़्यादा ओपी हो रखी है। मतलब अब देख रहा तो मुझे हल्का सा डैमेज लगेगा, मतलब हल्का सा डैमेज नहीं हल्की सी आग लगेगी, फ्लेम लगेगी और क्या ही खतरनाक सा मुझे डैमेज हो। देख रहे हो आप, मतलब कि तीन शील्ड शेल थे मेरे पास शील्ड के और तीनों शील्ड ख़त्म हो गए और एच पी भी बहुत आधी हो गई। मतलब कि फिर मैंने सोचा निकलो भैया स्पीड में, तो बूस्ट लगाते लगाते मैं इस घर के पास आया और यहाँ पर भी बंदे मिले मुझे। जैसे ही रुका हूँ बंदे ने फायर किया है, मतलब यहाँ पर रेडी थे बंदे ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखो हीलिंग की मैंने सबसे पहले क्योंकि मेरे पास हीलिंग बहुत ही ज़्यादा, मतलब एच पी बहुत ही कम थी और तभी मैंने इन पर फायर किया और एक बंदा मैंने नॉक कर दिया। अब बारी थी दूसरे बंदे की, अब तुम देखो इसे कैसे मारते हैं। ओ मेरे भाई एक रॉकेट में दोनों भाइयों खत्म किस्सा। ओ भाई साहब क्या ही मजा आया। अब यहाँ पर मैं जो मेरी शील्ड थी उसे रिचार्ज किया क्योंकि यहाँ पर जो मेरी जो शील्ड थी भाई उस बंदे ने जो आग देकर क्या ही डैमेज किया है ना मैं ही जानता हूँ। मतलब एक बार उसने फ्लेम छोड़ी है कि मेरी एचपी और मेरी शील्ड सारी गायब हो गई थी। अब यहाँ पर देखो धीरे धीरे मैं यहाँ पर आया, मुझको होवर बाइक की आवाज़ आई और एक बंदा मुझे यहाँ पर पीछे की तरफ स्पॉट हुआ। अब इस भाई को मैंने आराम से इतना सारा डैमेज दिया ना कि वो बंदा अंदर चले गया। तभी मुझे पीछे से भी फायर हुआ मैं याद रख रहा था और इस भाई को तो मैंने नॉक कर दिया। अब बारी थी होवर कार होवर बाइक वाले बंदे की जो कि एक और होवर बाइक वाला बंदा यहाँ पर आया था। देखो उसने मेरा किल लेने की कोशिश की लेकिन वो विफल रहा और ये वो बंदा था जो देखो मेरा किल बटोर रहा था और इसका किल भी मेरे को चले गया। मेरा किल लेना चाहता था यार ये बंदा, मतलब कि देख रहे हो कितना चिंतित है। तो यहाँ पर अब किस्सा ये है कि अब यहाँ पर भी रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था, जोन भी आ रहा था और देखो जोन दूसरी जगह बन गया था तो यहाँ से तो निकलना ही था। तो थोड़े से लूट लूटी और इसके बाद मैंने डिसाइड किया यहाँ से निकलने का। तो यहाँ पर देखो एक यहाँ पर ये होवर बाइक पड़ी थी, मैंने इसे उठाया और सीधा निकल गया। अब गाइस ये मैंने यहाँ पर से गाड़ी उठाई और यहाँ से निकल गया क्योंकि ओवर जो बाइक थी वो पहले से ही बहुत ज़्यादा डैमेज थी और एक बंदा मुझे यहाँ पर स्पॉट हुआ। अभी देखो क्या ही भभक के मैंने डैमेज दिया उसे और वो बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, भागे जा रहा है भागे जा रहा है। तुम देखो अभी भी भागेगा वो। और अब देखो इसे कैसे नॉक किया मैंने, तुम्हें देख के मजा आ जाएगा। और ये मजा आ गया इस बात पे, तू 100 लाइक गेम कर दो हमारा पूरा। क्या ही नो किया मजा आ गया भाई साहब। पीछे पेड़ के पीछे रहने का कोई मतलब भी नहीं है अगर आपके पास इन्वर्टर है भाई, सामने वाला इजीली नोक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं जैसे ही इसे मारा कि मुझे एक बंदा मैच में दिखाई दिया
तो उसे मैंने यहाँ पर फटके मारे दो तीन, और यहाँ पर मैंने उसे नॉक कर दिया। अब देखो ये जो टूरिट वाला बंदा है, इसकी मेरे को ठुड्डी नहीं दिख रही थी, तो मैं इसको मारू कहाँ पे, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। तो वो भाई तो निकल लिया पहली फुर्सत में, और ये देखो इस भाई ने क्रेबी उठा ली, मतलब कि जो दूसरा बंदा था उसने क्रेबी उठा ली और मेरा किल भी ले लिया, ये भी तो है। तो अब इस क्रेबी वाले बंदे से मेरी फाइट होने वाली है, तो फाइट को एंजॉय करो। वो गाइस बता दूं, ये कोई क्रेबी वाला बंदा है, कोई और टीम का बंदा नहीं, ये हमारी क्लैन का बंदा है, और इसको मैंने क्या ही मारा, मजा आ जाएगा आपको लास्ट में देखना जरूर। अब यहाँ पर मैं भरपूर प्रयास कर रहा था इस भाई को मारने का, लेकिन मेरा देखो सबसे पहले एम ये था कि मैं उसकी एक टांग को खराब कर दूं। देखो यहाँ पर मैंने एक टांग खराब की, तो वो अब यहाँ पर मतलब थोड़ा स्लो हो गया। अब यही तरीका है क्रेबी को मारने का सबसे बढ़िया, पहले एक टांग को तोड़ दो, अब फिर क्या करेगा वो लाचार सा हो जाएगा, फिर तुम उसे मार सकते हो, तुम्हें चांस मिल जाएंगे बहुत सारे मारने के। तो यहाँ पर देखो उसकी टांग मैंने तोड़ दी, अब यहाँ पर मेरे पास चांस है उसे मारने का। देखो ये बंदा ऊपर आने लगा, और अब देखो मैंने इसे अच्छा खासा डैमेज दिया है। यार एक पहली बात तो ये है कि जोन का कलर कैसा है मेरे को वो बंदा ना तो स्पोर्ट हो रहा है दिख रहा है, इसके बाद तो अब तो मुझे वो दिखा ही नहीं था वो बंदा कहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने सोचा भैया निकल लो, क्योंकि हम ये असमंजस में नहीं रहना चाहता मैं कि भाई मुझे कौन कहाँ से किधर से पड़ गई। तो मैंने सोचा निकल ले भैया, तो यहाँ से मैंने ये क्राफ्ट मंगाए, सीधा निकल गया जोन के अंदर। अभी मैं ये जानता था दो बंदे अलावे, तो एक बंदा मैं हूँ, एक बंदा वो ही है, तो वो तो आएगा ही जोन के अंदर। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर हीलिंग की मैंने, और तभी वो भी आ गया। अब यहाँ पर मैं ऊपर के साइड आया और वो भाई को मैं डैमेज देने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं हर बार विफल रहा, और वो भाई पैदल पैदल अंदर आने लगा जोन के। और अब देखना गाइस उसे कैसे मारते हैं, मतलब कि वो बंदा देखो यहाँ पर वो भागकर ये घर के पास आया, और वो घर के नीचे आ गया। अब धीरे धीरे देखो अभी वो दिखेगा हल्का सा, देखो वो घर के नीचे आया, ऊपर आने की कोशिश करने लगा, और मैंने यहाँ पर पहले से ही रॉकेट छोड़ दिए थे, और वो भाई आराम से मर गया, और इसी के साथ ही तुम्हारा भाई विक्ट्री हासिल कर लेता है। तो लाइक गेम हमारा जरूर करना, आज का हमारा लाइक गेम 100 का है, होप कि आप लोग करा दोगे। और इसी के साथ ही अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना जो कि फॉलो 24 खेलते हैं।